अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेशन का आगाज़ करते हैं जी। कल बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर ना मेरे ख्याल में तो लाइट वाइट का इशू हो गया था, शायद आंधी आने की वजह से। इसकी वजह से जो कुछ हम आखिर में कर रहे थे वो थोड़ा सा रह गया था। सही, हम उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और देन फिर आज वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि हम कैसे किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को भी प्रोग्रामेटिकली कंडीशन से फिल्टर करवा के साइन कर सकते। इसके लिए हमने कोड देखा था कि कोड क्या कर रहा था। ये ग्रेड डिसाइड कर रहा था। हमने कहा लेट ग्रेड, हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश की जिसका नाम था ग्रेड। उसके अंदर वैल्यू क्या डाली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। आगे हमने इफ की पूरी कंडीशन लगा दी। हमने कहा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 69 है और एनएफ ग्रेटर देन 69 है तो ए डाल दो। ये जो ए की वैल्यू है ये कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम ग्रेड है, ठीक है, इसमें डाल दो। और आप ये नोट करें कि हमने ये जो ए कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं इसके आखिर में सेमी कॉलन नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये भी हम या ए वैल्यू साइन करेंगे या बी वैल्यू साइन करेंगे या सी साइन करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ये कंडीशन हो तो ए पुट कर दो ग्रेड के अंदर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो बी पुट कर दो ग्रेड के अंदर, इसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो सी पुट कर दो वरना एफ पुट कर दो ग्रेड के अंदर। और जो सेमी कॉलन डालना था ना वो हमने फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारी सारी की सारी इफ की कंडीशंस फाइनल हुई तो इफ की आखिरी ब्लॉक की कर्ली ब्रैकेट के एंड होने के बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। तो अब होगा ये कि जो सारा कोड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इन सब के एंड में हमें एक वैल्यू मिलेगी, या ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा या एफ मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा ब्लॉक खत्म होकर ए बी सी या एफ की फॉर्म में से कोई एक चीज आ जाएगी आपको, ठीक है। और उसके आखिर में ये सेमी कॉलन लगा होगा। ये देखें कि जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए नॉर्मली कि ये चीज, तो इसमें से ये वाली चीज इफ में से आ जाएगी और ये वाली चीज जो है ये सेमी कॉलन, ये हमने इफ की स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक हो गया। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने एज पर द कंडीशन के मार्क्स कितने हैं और ट्रेनर्स कितनी है उसने ए ग्रेड असाइन किया स्टूडेंट को, उस वेरिएबल को, ग्रेड वाले वेरिएबल को, देन उसको भी डिस्प्ले भी करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पहुँच के हमारा जो कल वाला लेक्चर था वो कंक्लूड हो जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये इस एग्जांपल है जो शायद बुक में दी हुई है और सर वाली स्लाइड में भी दी हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जब आप वेरिएबल्स की वैल्यू थ्रू कंडीशन एवेल्यूएशन असाइन कर रहे हो तो ये लाजमी है कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक ही टाइप की हों। जिस तरह हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है तो हर इफ की कंडीशन के अंदर जो हम वैल्यू साइन कर रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप ही की है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने वाले कोड में कि ये एक कंडीशन में वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं यानी कि नुमेरिक, और दूसरे वाले में स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कंपाइलर जो है आपका एरर दे देगा, वो कह देगा कि यार ये जो आप वैल्यू थ्रू कंडीशन असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक ब्लॉक के अंदर किसी और टाइप की है डेटा टाइप और दूसरे ब्लॉक में किसी और टाइप की है, तो ऐसा नहीं हो सकता आप सारे ब्लॉक्स में एक ही टाइप की वैल्यू दें डेटा टाइप की और फिर उनमें से बेस्ड अपॉन द कंडीशन एक कोई वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल में जाकर असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नंबर एक तो ये कि आपके जो ब्लॉक्स हैं कंडीशंस हैं इफ की उसके अंदर से जो वैल्यूज जा रही हों किसी वेरिएबल में सेव होने के लिए उन सब की डेटा टाइप जो है वो एक होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो
तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। ये भी हमने कल वाला लेक्चर कंप्लीट किया, अगर नहीं होगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे, आज लूप को देखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। ओके फाइन जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर, जो कि हमारा रस्ट के ऊपर सेशन नंबर 7 है और ओवरऑल सेशन नंबर 13 है। आज हम देखेंगे लूप। लूप क्या होती है? लूप हमें मदद करती है कि हम किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवा सकें बगैर लिखे। ठीक है, वैसे तो हम लिख भी सकते हैं ना, हम कहें प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एलन। तो लूप हमें हेल्प आउट करती है कि हम वो 5 बार लिखने के बजाय लिखें एक ही बार, लेकिन उसको 5 बार एग्जीक्यूट करवा लें। ठीक है, तो ये 3 तरह के लूप होते हैं। लूप होता है यूजिंग लूप, हम लूप बना सकते हैं एक लूप की कमांड या लूप की एक स्टेटमेंट यूज करते हुए। देन वाइल की स्टेटमेंट है, उसको यूज करते हुए हम लूप बना सकते हैं। और एक फॉर की स्टेटमेंट है, और वो फॉर अभी तक हमने नहीं स्टडी की, सर ने पढ़ानी है अभी। इस वजह से हम लोग ये लूप और वाइल डिस्कस करके देन अपना जो डिस्कशन सीरीज है इसको फिलहाल रोक देंगे, और देन फिर नेक्स्ट वीक्स में जब सर हमें पढ़ाएंगे तो देन फिर हम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम लूप को तो अच्छी तरह से पढ़ लें, और मेरा ख्याल है कि वाइल को शायद हम कल देख लेंगे, और देन फिर हमारा सेशन एंड हो जाएंगे। तो चलते हैं जी आगे। अच्छा, ये जो इसकी टेक्सचुअल डेफिनेशन है वो ये है कि लूप का जो कीवर्ड है, ये जब हम किसी जगह पे लगाते हैं तो इससे रस्ट का कंपाइलर क्या करता है कि इस लूप के कीवर्ड के आगे जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और आपको पता है कि ब्लॉक ऑफ कोड कैसे डिफाइन होता है, वो होता है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो लूप के फौरन बाद जो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आ रही होगी, उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, रस्ट का कंपाइलर उसको मुसलसल एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा बगैर सोचे समझे। तो अगर आप उस लूप को किसी खास मुकाम पे एंड करना चाहें तो उसके लिए आप ब्रेक की स्टेटमेंट अगर इस्तेमाल कर लें, तो वो ब्रेक की स्टेटमेंट जिस कर्ली ब्रैकेट वाले ब्लॉक में लिखी होती है, उस ब्लॉक में अगर कोई लूप हो तो ये उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, और जो कंट्रोल होता है वो उस ब्लॉक से वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर रिटर्न हो जाता है। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे लेकिन जरा अपने स्टाइल से। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको लेकर चलें अपने कोड वाले सेक्शन में। ये था हमारा प्रीवियस कोड। इसको हमने खत्म कर दिया, और बिल्कुल शुरू से अब हम लूप की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा काम ये है कि हमने कुछ वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो हमें किसी ने कहा कि आप 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट कर दें।
तो हमने ये पांच प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लिखी और फिर लिख दिया प्रोग्राम एंड। हम चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो की तरफ और वहां जाके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और उसने 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट किया और प्रोग्राम खत्म हो गया। सपोज मुझे कहा गया कि नहीं जनाब, ये तो काफी नहीं है, आप इसको 1 से 10 तक करो। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। और ये मैंने 10 तक का प्लान बना लिया। सॉरी, मैं भी आपके सामने ले गया हूँ ये। तो ये मैंने मजीद प्रिंट एलन को टाइप कर लिया और 10 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने प्रिंट करवा लिया। और प्रिंट करवाने के बाद हम चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो में। तो लें जी, इसने 1 से लेके 10 तक भी प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है कि जनाब 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करवाओ, तो अब ना मेरे थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी कि यार मैं कहाँ ये, मतलब 1000 तक ये प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लगाऊंगा। मेरा प्रोग्राम भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, मतलब 1000 लाइंस उसमें आ जाएंगी जिसमें सिर्फ क्या लिखा होगा, प्रिंट एलन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस मुसीबत से जो बचने का हल हमें रस दे रही होती है वो है लूप। ठीक है, ये कमांड या ये प्रोग्राम आपने देख लिया 1 से 10 तक प्रिंट करने वाला। इसके अंदर ना तकरीबन 13 लाइंस हैं। अगर 13 लाइन में से मैं ये कि वाइट जो खाली लाइन है इसको निकाल भी दूं, तो हमारा ये प्रोग्राम यानी कि 12 लाइन ऑफ कोड पर मुश्तमिल हो जाएगा। ठीक है, 2 FN मेन और ये ऊपर वाली और कर्ली ब्रैकेट वाली छोड़ भी दें, तब भी हमारा 12 लाइन के कोड से हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ना लूप यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट काउंटर i32 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ लूप और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, कि काउंटर की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, जो भी पुरानी वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। और प्रिंट एलन ये देखें, ये मेरा कोई जो प्रैक्टिकल लाइंस हैं वो 6-7 लाइंस हैं और इन लाइंस में मैंने कोड लिखा। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंटर, उसके अंदर वैल्यू साइन कर दी 0। फिर मैंने लूप लगाया। लूप देखें, ये उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये उसकी एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो लूप का कीवर्ड क्या करता है कि इन दो लाइंस के दरमियान में जो भी कोड या जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा बार बार। तो ये जब पहली बार एग्जीक्यूट करने के लिए आया तो इसने क्या किया कि काउंटर के वेरिएबल के अंदर जो पुरानी वैल्यू थी जो कि इस वक्त 0 है, उसमें 1 जमा कर दिया। तो 0 जमा 1, 1 हो गया। 1 को जाके उसने काउंटर के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब देखिए काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर ये मैं प्रोग्राम चलाऊंगा पहली बार तो आप लोग बताएं कि ये पहली बार चलने पे क्या आउटपुट देगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, कोड आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सा कोड है कि वो काउंटर की वैल्यू में 1 का इजाफा करे और उसको फिर से काउंटर में सेव कर दे और उसके बाद प्रिंट कर दे काउंटर की जो भी वैल्यू है उसको। तो आप बताएं कि जब मैं बिल्कुल पहली बार इस प्रोग्राम को चलाऊंगा और ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेंगी तो आउटपुट क्या आएगी। एनीवन? 1 आएगा इसका। ठीक है, और कोई?
सर इसका आंसर जीरो आएगा, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? फर्स्ट टाइम जीरो। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ ना कितने लोग वन के हक में, कितने लोग जीरो के हक में। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन आप मुझे अपना अपना ना एक आउटपुट दे। सर जो सर जी जी बोलिए। जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा वो फर्स्ट टाइम जो आपने काउंटर को असाइन किया है पहली दफा उसको लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाके फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा फिर इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अभी हम देख लेते हैं कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। तो हम यूँ करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो पे। और ये जो मैंने ठंडी सी आह भरी है ना, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मौसम वाकई बहुत ठंडा और दूसरी वजह ये है, ठीक है, हमने शुरू में भी कहा, बार बार कहा, बीच में भी कहा, कल भी कहा, परसों भी कहा कि जनाब अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर चेंज लानी हो एक से ज़्यादा दफ़ा, तो आपको लाजमी है कि आप इसको म्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर करें। अदरवाइज जो ही आप किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरी दफ़ा चेंज करने लगेंगे और वो आपने म्यूटेबल डिक्लेयर नहीं किया होगा, तो कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई क्या कर रहे हो, होश की दवा लो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने काउंटर की वेरिएबल की वैल्यू पहली दफा में ही जीरो साइन कर दी थी, तो ये जो इसका पहला और आखिरी चांस होता है वो जाया हो गया था अगर ये म्यूटेबल होता। अब जो ही हम ये वाली स्टेटमेंट चलाएंगे ना, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, तो ये अब दूसरी दफा काउंटर की वैल्यू हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में चूंकि हमने पहले इसको म्यूटेबल MUT के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो रस्ट का कंपाइलर हमें एरर दे देगा कि भैया ये जो इम्यूटेबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को आप क्यों दूसरी बार चेंज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस तरह की माइनर डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए आपको। मेरी कोशिश ये होती है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को कम से कम चेंज करें, मेमोरी के अंदर जाके कम से कम मैनिपुलेशन करें। तो मेरे जो पिछले वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें हमारी कोशिश ये होती थी कि हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, तो अक्सर वेरिएबल इम्यूटेबली डिक्लेयर होते थे। लेकिन ये आपने याद रखना है हमेशा, वैसे तो रस्ट आपको बड़ा प्रॉपर एरर दे देता है, अभी हम जाके देख भी लेते हैं उसे क्या एरर हमें दिया था, लेकिन ये है कि आपने ख्याल रखना है, कोशिश ये करनी है कि जब आप प्रोग्राम बना के उसके बाद उसको रन करें तो आपको फर्स्ट टाइम पे ही कम से कम एरर आए। जितने ज़्यादा आप एरर फ्री होते चले जाएंगे ना, ये शो कर रहा होगा कि आपकी रस्ट के ऊपर ग्रिप और कमांड जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, आप छोटी छोटी माइन्यूट लेवल की डिटेल्स का भी ख्याल रख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको म्यूटेबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो बिल्कुल जी, जब फर्स्ट टाइम, अब आप वाली बात बिल्कुल ठीक होगी, देखें इसकी वैल्यू पहले जीरो थी, अब हमने प्रिंट एलन बाद में किया, पहले उसकी वैल्यू चेंज कराई है। तो देखें जो ही इस लूप के अंदर आएगा तो जीरो प्लस वन, ठीक है, जीरो प्लस वन ये वैल्यू हो जाएगी वन, और वन जाके काउंटर में सेव हो जाएगा। अब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में रैम में क्या हो गई है, वन। जब हम प्रिंट एलन करेंगे तो पहली बार वन प्रिंट होगा, देन ये करली ब्रैकेट खत्म हो गई है, वापस चला जाएगा लूप के स्टार्ट में, वहाँ पे जो काउंटर की करंट वैल्यू है जो कि इस वक्त वन हो चुकी है उसके अंदर एक और ऐड करेगा, वन टू वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू को एक काउंटर में स्टोर कर देगा, और देन फिर उसको प्रिंट एलन करवाएगा तो टू प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अब हम जाते हैं और इसको चलाते हैं, और चलाने के बाद मैं आपको ज़रा स्क्रीन भी शेयर कर दूं, तो आप ज़रा ना इससे पहले, चलाने से पहले ज़रा गौर कीजिए कि ये कितने प्यार भरे अंदाज में आपको समझाता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे कमांड दी थी कार्गो रन, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसने फौरन मुझे कहा कि जनाब आपके इस प्रोग्राम में कोई एरर वेरर है, और एरर क्या है ये यहाँ पे एरर बता रहा है, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल काउंटर। ठीक है, अभी मैंने साइज थोड़ा बड़ा किया, अगर मैं साइज का थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ तो अब आपको ये बिल्कुल सही वाज एरर नजर आ रहा होगा, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल काउंटर। तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो आपका काउंटर का वेरिएबल है ये इम्यूटेबल है, और मैं इसको कोई दो दफा ट्वाइस वैल्यू असाइन नहीं कर सकता,
कहाँ नहीं कर सकता, अभी देखें प्रॉपर बता भी रहा है कि दो नंबर लाइन में आपने काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट असाइनमेंट भी कर दी, यानी कि मैंने पहली बार वैल्यू असाइन कर दी, और हेल्प आपको बता रहा है कि मेक दिस बाइंडिंग म्यूटेबल। और कैसे आप इसको म्यूटेबल बनाएं, वो कह रहे हैं एम यू टी और काउंटर इसके पीछे यहाँ एम यू टी लगा दें तो आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। देखें कितने प्यार भरे अंदाज में इसने आपको सारे एरर और उसका हल भी बता दिया। और फिर दूसरी बात ये बता रहा है कि एरर किस जगह पे कर हुआ है, लाइन नंबर 5 में, जहाँ पे आपने काउंटर वेरिएबल के अंदर दूसरी बार कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश की, और ये फिर नीचे एरर भी बता रहा है कि कैनॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप देखें इसने आपको दोनों हल बता दिए, एक तो एरर वाली जगह बताई कि एरर जो है लाइन नंबर 5 में आया और इस वजह से आया कि आप दो बार दूसरी बार जो है म्यूटेबल वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे थे, और साथ उसने आपको हेल्प भी प्रोवाइड कर दी। ये देखें कह रहा है मेक दिस बाइंडिंग म्यूटेबल, और किस तरह बाइंडिंग को म्यूटेबल बनाए, एम यू टी लिख दें काउंटर के पीछे। तो ये ना बड़े प्यार भरे अंदाज में आपको ये काफी सारी चीजों के बारे में बता रहा होता है कि आप कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। एनी वे, अब हमने इस मसले को हल कर लिया ऑलरेडी, हमने वहाँ पे इम्यूटेबल बना दिया, ये पुराना एरर जो पिछली बार हमारी एग्जीक्यूशन थी उसका आ रहा था। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब आप देखें, अब इस प्रोग्राम ने मुसलसल नंबर्स प्रिंट करना शुरू कर दिए हैं, देख रहे हैं आप, आपके सामने ये मुसलसल नंबर प्रिंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो चूँकि आपकी स्क्रीन रिफ्रेश थोड़ी देर बाद हो रही है तो नेट की वजह से, तो ये देखें ये आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके पास नंबर आ रहे हैं, अदरवाइज मेरे पास एक कंटिन्यूड स्ट्रीम चल रही है नंबर्स की ना, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और से जान बचाने का वही जरिया आपके पास जो फिल वक्त है वो ये है कि आप कंट्रोल और सी का बटन इकट्ठे प्रेस कर दें, तो इससे ये आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी और आपके पास वापस प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये वैल्यू इसने जो दी है 54,13,186, ये शुरू कहाँ से हुआ था, 1 से शुरू हुआ था, और ये कंटिन्यूड कंटिन्यूड ये एक एक ऐड करता जा रहा है, प्रिंट करता जा रहा है, एक ऐड करता जा रहा है, प्रिंट करता जा रहा है। तो देखें ये पहुंच गया है 54 लाख तक, एक से शुरू होके। तो देखिए लूप का कितना फायदा हुआ, जो पिछला प्रोग्राम था ना जिसके अंदर मैंने प्रिंट एलन किया था, अभी हम चलते हैं वापस, उसमें देखिए मैंने जब 1 से 5 तक प्रिंट कराया था तो मैंने 5 प्रिंट एलन कर लिए थे, 1 से 10 तक कराया था वो भी मैनेजेबल था, शायद कुछ लोग 1 से 100 तक भी मैनेज कर लेंगे प्रिंट करना, बट अगर आपको 1 से 1 लाख तक प्रिंट करना पड़ता तो फिर तो आप तो वैसे ही वो कॉपी पेस्ट कर करके पागल हो जाते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यू चेंज कराने। दूसरी बात ये आपके प्रोग्राम का साइज भी कितना बड़ा हो जाता है कि आपके प्रोग्राम की जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो भी कितनी ज्यादा हो जाती है ना, अगर 1 लाख प्रिंट करने हैं तो आपको 1 लाख प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, उसका मतलब प्रोग्राम के अंदर भी 1 लाख लाइन ऑफ कोड होता है, उसका साइज कितना बड़ा बन जाता है, फिर मतलब 100 मुसीबतें होती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में अब ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है यही हमारा देखें 54 लाख तक प्रिंट कर गया था, और इसको मैंने ज़बरदस्ती रोका है, अगर मैं ना रोकता तो 54 लाख से आगे भी अभी कंटिन्यू प्रिंट करता जा रहा था, सही है। तो सिर्फ यही 6-8 लाइनों का कोड है, ये आपसे 1 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार और 1 लाख बार अगर आप लाइन प्रिंट करना चाहें तो यही 5 लाइन का कोड उस सारे मकसद के लिए काफ़ी था। ठीक है, तो इससे हमें कितनी आसानी होगी कि वो जो हमने पहले 5, 10 या 100 लाइन्स लिखनी थी उसकी जगह हम सिर्फ इन्हीं 8 लाइन्स की मदद से या 10 लाइन्स की मदद से हम वही काम जो है ना मुकम्मल करवा सकते हैं। तो ये होते हैं लूप, और ये क्या करते हैं कि ये आपके जो लूप के ब्लॉक के अंदर, लूप की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको बार बार एग्जीक्यूट कराते रहते हैं। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि लूप कैसे काम करता है, लेकिन मुसीबत इसके अंदर ये फ्लॉ है कि हमें फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ना कंट्रोल सी करके अबॉर्ट करना पड़ता है। क्या है कि अगर हम अपने कंट्रोल के मुताबिक लूप को लेके चलें, कंट्रोल के मुताबिक से क्या मुराद है कि अभी तो मैंने कंट्रोल सी किया ना, तो कंट्रोल सी जाके हुआ फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 पे रुकना था, तो अभी इतनी तेजी से नंबर वो आगे जा रहे होते हैं कि जब मैं 1000 मेरे सामने आता और मैं कंट्रोल सी करता उस वक्त तक शायद 1015 तक वो प्रिंट कर चुका होता। तो हमारे प्रोग्राम में ना वो करेक्टनेस नहीं है,
तो अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये प्रोग्राम जो है ये 10 पे या 50 पे या 100 तक वैल्यू प्रिंट करके रुक जाए, तो ऐसे काम के लिए हमें फिर ना इसको खुद से रोकने के लिए जो कमांड यूज़ होती है, किसी लूप के एग्जीक्यूशन को खुद से रोकने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो कहलाती है ब्रेक। तो इस लूप के अंदर मैं किसी जगह पे अगर ब्रेक लगा दूँ तो वो प्रोग्राम रुक जाएगा। और ब्रेक लगाने के लिए ना मैं लेके आऊँगा अपनी परसों या कल की पढ़ी हुई, परसों की पढ़ी हुई स्टेटमेंट को, जो कि थी इफ़ की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम इफ़, यानी कि अगर तू काउंटर की वैल्यू 10 होना तो ये प्रोग्राम लूप को ब्रेक कर दे। तो मैं कहता हूँ इफ काउंटर इज इक्वल टू 10 ब्रेक। ठीक है, सिंपल सा मैंने एडिशन किया है। ये देखिए, मैंने कहा कि काउंटर के अंदर 1 ऐड कर दो और उसको फिर दोबारा से काउंटर में स्टोर कर दो, उसको प्रिंट भी कर दो। प्रिंट करने के बाद चेक करो कि क्या काउंटर की जो करंट वैल्यू है वो 10 है। अगर 10 है तो ब्रेक कर दो, नहीं है तो कुछ भी ना करो। जाहिर है अगर वो काउंटर इज इक्वल टू 10 होगा, ट्रू होगा तो यहाँ अंदर आएगा और ब्रेक करेगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद आ जाएगा, यहाँ की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो वो ऑटोमेटिकली लूप में वापस चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये लूप कर रहा है, काउंटर की जो भी करंट वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर रहा है, और 1 ऐड करने के बाद उसको वापस काउंटर की वेरिएबल की जो रैम है उसमें ऐड करवा रहा है, जब स्टोर करवा रहा है, देन उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट करवाने के बाद चेक कर रहा है कि जो काउंटर की वैल्यू है वो 10 तो नहीं है, 10 के बराबर तो नहीं है। अगर 10 के बराबर है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि लूप को ब्रेक कर दो, वरना फिर कुछ ना करो तो ये वापस लूप में चला जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो में, यहाँ इसको क्लियर करते हैं और कार्गो रन करते हैं। ये देखें, ये प्रोग्राम चला, इसने 0 में 1 ऐड किया तो 1, फिर 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो ही काउंटर की वेरिएबल की वैल्यू 10 हुई तो वो जो ब्रेक वाली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने की वजह से ये वो हमारा वो लूप टूट गया, और अब हमारा प्रोग्राम हमारे कंट्रोल के मुताबिक उसने सिर्फ 10 तक प्रिंट किया और वो प्रोग्राम बंद हो गया। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो, सपोज कि मैं चाहता हूँ, अब ये देखें ये हमारा जो प्रोग्राम है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है वही टोटल, मैंने ज़रा खुला खुला किया है, बीच में ये वाइट स्पेसेस भी डाली हुई है ताकि आपको रीडेबिलिटी क्लियर हो प्रोग्राम की। तो ये सारा कुछ कर कर के भी ना ये 15 लाइन का कोड बना है खुला खुला। अगर मैं ये जो खाली लाइन है इनको हटा दूँ तो ये तकरीबन 10 लाइन का कोड है। तो 10 लाइन का कोड है जिसने 10 तक डिस्प्ले कर दिया। लेकिन सपोज अगर मैंने 100 तक डिस्प्ले करना है ना, तो मैं इन्हीं 10 लाइनों में सिर्फ यहाँ पे आके 10 की जगह 100 कर दूंगा, इसको सेव करूंगा। चलेंगे हम वापस अपनी वो जो टर्मिनल विंडो है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं कार्गो रन करूंगा तो देखिए इसने 100 तक प्रिंट किया और ये रुक गया, क्योंकि कंडीशन मैंने 100 तक की लगाई हुई थी। ठीक है, वही 15 लाइन का कोड है। वापस चलते हैं। कोई मुझे कहता है कि जनाब आप यूं कीजिए कि 1000 तक प्रिंट करवा दें, वही 15 लाइन्स का कोड है। यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया कंडीशन में, सेव किया। वापस चल रहे हैं हम टर्मिनल विंडो पे, क्लियर किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया। ये देखिए इसे 1000 तक प्रिंट किया और प्रोग्राम एंड हो गया। और इवन अगर मैं चाहूं कि ये 1 लाख तक प्रिंट करे, तो मैंने जस्ट उसी 15 लाइन के कोड में सिर्फ काउंटर की जो जो सेटिंग हो रही है, जो इफ की कंडीशन लगी हुई है, उसके अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लाख लिखूंगा और सेव करने के बाद अब देखिए मेरे प्रोग्राम की लाइंस में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। वही 15 की 15 लाइनें जो 1 से 10 तक के लिए यूज हो रही थी। और अब मैं क्लियर करके जब वापस इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो ये देखिए उसने 1 लाख तक प्रिंट कर दिया। तो देखिए कितनी आसानी हो गई कि वो 15 लाइन का कोड है, वो मैं चाहे 10 लाइन प्रिंट करूँ या 1 लाख लाइन्स प्रिंट करूँ, वही 15 लाइन का कोड लूप की मदद से मेरे लिए काम कर रहे हैं। कितनी
आसान तरीके से हमने 1 लाख बार कुछ भी प्रिंट कराना हो, या 1,000 बार कराना हो, या 100 बार कराना हो, या 1 बार कराना हो, तो यही सेम कोड हमारे सब मसाइल की जो है ना वो एक दवा बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जनाब अब यहाँ पे चूंकि हमारा पहले सेशन इनके सेशन के पार्ट वन का टाइम पूरा होने वाला है, तो मैं अब लेने लगा हूँ आप लोगों से 5 मिनट की ब्रेक। अभी मैं वहाँ पे वापस ग्रुप पे अगला यूआरएल दोबारा शेयर करूंगा। 5-6 मिनट के अंदर अंदर हम आएंगे, आकर हम यहाँ पे लूप के बारे में आपसे क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चंस लेके फिर यहाँ से आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट की अब होने लगी है ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।